सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। और गाइज, फाइनली एपिसोड नंबर 14 भी वूड सेलेक्ट पे आ गया है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जल्दी से जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैं अभी कुछ ही टाइम में वीडियो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। और दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, टेलीग्राम तक पे वीडियो अपलोड करता हूँ यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, 96% बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और आप लोग करने का नाम ही नहीं लेते हो। भाई कर लो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आप बात करते हैं एपिसोड की। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में एक स्क्रोल आता है और जिसमें एंटरटेनमेंट टास्क के बारे में दिया होता है, और उसमें एक चीज और दिया होता है कि व्योमेश हेल्थ इशू के वजह से टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपको शुरू में क्लियर हो गया कि व्योमेश टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद सभी अपनी प्रैक्टिस और स्टार्ट कर देते हैं और सीधा में स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे भाई कसम से बता रहा हूँ, मैंने जो वूड सेलेक्ट का रिचार्ज करवा रखा है ना 1 ईयर का, भाई मुझे आज पहली बार लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। इतना गजब का एपिसोड था, मतलब कि इस एपिसोड में किसी ने भी सोचा ही नहीं कि ये मेरा कंपटीशन है, ये है, ये वो है। भाई सभी ने खाली डांस किया, परफॉर्मेंस किया और एंटरटेनमेंट के मज़े लिए। तो सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। और चलिए, डांस तो होगी, अब इसके आगे क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। सो एपिसोड के अंदर ट्विस्ट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सिर्फ 2 ही विनर लिए गए, और 2 विनर भी कैसे, एक विनर लिया गया गोल्ड विला से और एक विनर लिया गया सिल्वर विला से। मतलब कि निखिल भूमिका और सपना ध्रुव में से एक विनर बनना था, और बाकी जितने भी सिल्वर विला में कपल्स हैं उनमें से एक विनर बनना था। और इस टास्क को आरुषि ने परफॉर्म नहीं किया, केवल सपोर्ट के लिए गैरी के साथ उसने परफॉर्म किया था, बाकी वो मतलब कि कोई कंपटीशन में नहीं थी वो। तो डांस परफॉर्मेंस तो आप देख लेना एपिसोड के अंदर ही। तो चलिए, आप विनर की बात कर लेते सीधा। तो देखो भाई, गोल्ड विला से जो जीता है वो है निखिल और भूमिका। भाई मज़े आ गए थे, दोनों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था, लेकिन निखिल और भूमिका जीत गए। और वहीं बात करते हैं आप सिल्वर विला से, तो सिल्वर विला में भाई सभी ने बहुत ही बढ़िया किया, सिर्फ 2 कपल ने बेकार किया था। और वो आप एपिसोड देखोगे ना तो आप खुद ही कमेंट कर देना कौन था वो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा नहीं। और जो विनर रहे थे वो थे, आप लोगों को लग रहा होगा कि गैरी और अवंतिका, तो गाइज आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि विनर थे शिवम और पलक। वहाँ पे सब लोग हिल गए कि शिवम पलक, हाँ गाइज, तो शिवम पलक विनर थे और भाई डिजर्व भी करते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस सभी का बढ़िया हुआ। तो वहाँ पे जय और अदिति भी जीते, तो वो भी भाई विनर मानते, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा था और गैरी अवंतिका का भी अच्छा था। लेकिन उन्होंने, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता उतना डांस के बारे में कि क्या कमी रह गई, लेकिन कोई भी जीता हो, चलो यार, आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को यार अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर ही लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।